हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट पार्ट में है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेकंड में अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन का मतलब क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। आपने देखा होगा टिन कैन, ओके, कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। जनरली आपने देखा होगा कि ऑयल के जो डब्बे होते हैं वो यही होते हैं, है ना, टिन कैन जिनको हम बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं रांगा, ठीक है। इस टिन को हिंदी में बोलते हैं रांगा। ये आपका मेटल होता है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका SN, ठीक है। SN से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जनरली जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो होती है आपकी सिलेंडर की फॉर्म में, लेकिन यहां पर आपको जो बेस गिवन है सॉफ्ट ड्रिंक का वो है रेक्टेंगुलर, ओके। तो हम मान लेते हैं यही आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। तो इस केस में आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, विड्थ गिवन है, ठीक है, और आपकी हाइट गिवन है। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं। लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और इसके बाद आपको हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ओके। तो बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आपसे पूछा गया है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक का कैपेसिटी निकालना है, ओके। तो आपको जो दोनों शेप हैं, ठीक है, एक आपका टिन कैन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और एक है आपका प्लास्टिक सिलेंडर, ठीक है। तो दोनों का आप निकाल लेंगे, ओके। उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है और फिर आपको बताना है कि किस में जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो बच्चों, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, टिन कैन की, ठीक है। तो ये आपका दिखता है अ क्यूबॉइड, ठीक है, और क्यूबॉइड का जो आपका वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमको निकालना है कैपेसिटी, तो इसका सिंपल सा मतलब है आपको वॉल्यूम निकालना होगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, या फिर आप बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, ओके, और करके आप यहां पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये आपका निकल के आ चुका है कैपेसिटी ऑफ टिन कैन। अब बच्चों, बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस बार जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है उसका जो शेप है वो कैसा है, प्लास्टिक सिलेंडर का, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आपका बना हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है। अब इस केस में आपका जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आप आर निकाल लेंगे, ओके। तो आप यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, कितना हो जाएगा आपका 7/2, ओके। इसका मतलब है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। हाइट आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस केस में भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको कैपेसिटी, ठीक है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आर था, ओके। बेसिकली हमने क्या किया है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है।
तो जो सिलेंडर होता है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। मेरी बात आ गई समझ में? हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, तो जब भी बात होगी कैपेसिटी की तो हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ओके, तो यहां पर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे 22 अपॉन 7 इंटू 3.5 टू द पावर स्क्वायर इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों आपने दोनों ही केसेस में कैपेसिटी निकाल लिया है, या फिर हम कहें वॉल्यूम आपने निकाल लिया है। अब आपको बताना है किसका ज्यादा है, तो आप यहां पर देखकर ही बता सकते हैं। एक का है 300 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे का है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली जो आपका प्लास्टिक सिलेंडर है इसका कैपेसिटी ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, बाय हाउ मच, तो आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। आप लिखेंगे डिफरेंस इन कैपेसिटी, यही तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा है। तो 385 में से आप माइनस कर देंगे 300, ओके, आपके पास आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और यही आपका आंसर होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर, हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। अब बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए आपको एक टेम्पल गिवन है, मान लीजिए यह आपका टेम्पल है, ओके, और इस टेम्पल का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बेस्ड है इन पिलर्स पर, ओके। अब ये जो पिलर है इसका शेप क्या है, सिलेंडर फॉर्म में, ओके। देखिए ये जो सिलेंडर है इसका डायमेंशन भी आपको गिवन है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 10 मीटर, ओके। अब आपको बताना है हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, यानी कि इस तरह के 14 पिलर्स बनाने के लिए कितना कॉन्क्रीट खर्च होगा। तो बच्चों बेसिकली आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, तो यानी कि अगर आपने एक का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, तो आपको सिंपली उस वॉल्यूम को 14 से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात आ गई समझ में? आपसे पूछा है हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, यानी कि इस तरह के आपको कितने बनाने हैं पिलर, 14, ओके। तो आपको एक का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, उसके वॉल्यूम से आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ओके, हाइट आपको गिवन है 10 मीटर, ओके, तो जो छोटा यूनिट रहता है उसी में आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो आपको 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद आपको जो आपका एक सिलेंडर है यानी एक पिलर है उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आप यहां पर लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, ओके, एक का निकाल रहे हैं इसका मतलब सबका ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। तो बच्चों वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, 22 अपॉन 7 इंटू आर का वैल्यू 20, यानी 20 इंटू 20, एच का वैल्यू 1000, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 8800000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो बच्चों अब आप इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओके, 60 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब के, ओके, तो इसको यहां पर अप्लाई करना है, तो ये आपका इतने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर बचेगा 8.8, ठीक है, 7 मीटर क्यूब। अब बच्चों ये आपके पास निकल के आ चुका है वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, ठीक है, लेकिन आपको तो फाइंड करना है हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, ओके। तो आपने ये निकाल लिया
कि एक सिलेंडर के लिए कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपको निकालना है 14 के लिए, तो सिंपली आपको 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर से आपको मल्टीप्लाई करना है 14 को, ठीक है। यानी कि 8.8 अपॉन 7 इंटू 14, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 17.6 मीटर क्यूब, ओके। तो ये आपका आंसर आना चाहिए 17.6 मीटर क्यूब, ओके। ये आपका 8.8 अपॉन 7 है, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एक डायग्राम की फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट करना है, फिर उसको आपको आसानी से सॉल्व करना है स्टेप वाइज। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।